बिलासपुर के जिला परिषद भवन में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते कोई भी समीक्षा बैठक तथा अन्य बैठकें नहीं हो पाई हैं, जिसको देखते हुए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पंचायत के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बैठक में कहा कि 21 अप्रैल के बाद ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए काफी योजनाएं चलाई गई, जिसमें मनरेगा के कार्य को अत्याधुनिक बढ़ावा दिया गया ताकि कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। ऐसी काफी योजनाएं चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह से अब तक मनरेगा के तहत 3.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। 2.50 करोड़ की राशि मजदूरों के खातों में पड़ी है। बैठक के दौरान वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय पर विकास कार्य को पूरा किया जाए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनावों पर कोरोना महामारी का कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा और पंचायती चुनाव समय पर ही करवाए जाएंगे। बिलासपुर आया हूँ तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं कि कोविड के बाद जो है वो अपने विभाग के अधिकारियों से वो मीटिंग नहीं कर पाए, समीक्षा नहीं कर पाए। आज छोटी सी बैठक मैंने रखी है, कल ही मैंने ये सारा तय किया था और इसमें हमने 21 अप्रैल के बाद जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार देने के लिए जो है अपनी विकासात्मक जितनी भी गतिविधियाँ थी हमने उनको शुरू किया है और आज 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो हमने मनरेगा और अपने जितने भी विकासात्मक कार्य हैं उनके माध्यम से जो है वो एंगेज किया है, उनके माध्यम से हम उनको रोज़गार दे रहे हैं। की प्रसन्नता है कि इस छोटे से कार्यकाल में जो है वो करीब 250 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट जो है वो सीधे तौर पर जो है उनके खातों में होगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोविड अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी।